आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि है एक स्पाई बटन कैमरा। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको मोशन डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो क्या है इस बटन कैमरे की क्वालिटी, क्या है इसका प्राइस, जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इसका बॉक्स देखने मिल जाता है। ऊपर साइड अगर आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ है S918, जो कि इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर अगर आप नीचे साइड देखेंगे तो आपको कुछ मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि पीसी कैमरा फंक्शन, साउंड कंट्रोल, वीडियो, टेक पिक्चर और TF कार्ड। नीचे यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसे कि वीडियो, मोशन डिटेक्शन, USB टाइम। अगर हम चेक करें बॉक्स का बैक एंड, तो बैक एंड पर आपको फुल स्पेसिफिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पर कौन सा सेंसर यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर CMOS सेंसर यूज किया गया है। इसका जो टोटल वेट है वह है 180 ग्राम। यहाँ पर आपको 640 का वीडियो रिजोल्यूशन मिल जाता है, ABI फॉर्मेट सपोर्टेड है। 380 mAh की इनबिल्ट यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको चार्जिंग का जो टाइम लगता है वह होता है करीब 2 से 3 घंटे, और यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे तक आप इसमें रेगुलर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अभी बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, चेक करते हैं बॉक्स कॉन्टेंट। तो गाइस बॉक्स के ओपन होते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है बटन कैमरा, अभी हम इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक USB केबल मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप इस बटन कैमरे को चार्ज कर सकते हैं और फाइल्स को डायरेक्टली अपने PC या फिर लैपटॉप में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फुल यूजर मैनुअल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर वन टाइम आप बटन को प्रेस करते हैं तो कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो यूजर मैनुअल को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो नजर डालते हैं हमारे इस बटन कैमरे की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे साइज वाइज बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। टॉप पर आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि बटन के शेप में होता है, जिसे आप आसानी से अपनी शर्ट पर माउंट कर सकते हैं, और किसी को इसे समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा कि एक्चुअल में यह कैमरा है। टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन का आपको शेप मिल जाता है। नीचे साइड यहाँ पर आपको दो बटन मिल जाती है, एक पावर ऑन बटन और एक फंक्शन के लिए यहाँ पर आपको बटन दी गई है। नीचे साइड आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जहां से आप इस कैमरे को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए एक स्लॉट दिया गया है, जिसके माध्यम से आप मेमोरी कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अप टू 32 GB तक के मेमोरी कार्ड को आप यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करेंगे तो यहां पर आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैमरा अभी किस मोड पर है। तो अभी बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इसमें मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हैं, चेक करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और पिक्चर्स की क्वालिटी को। मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको एक स्लॉट मिल जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है। इसके बाद ऑन करने के लिए सिंपली आपको होल्ड करना है पावर ऑन की को। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड LED ब्लिंक हो रही है। इसके साथ ही साथ यह बटन कैमरा वाइब्रेट भी करता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको वाइब्रेटर भी मिल जाता है। तो यह LED 5 टाइम ब्लिंक होती है, दैट मीन हमारा कैमरा फाइनली ऑन हो चुका है। अब हम इस कैमरे से कुछ पिक्चर्स को क्लिक करते हैं और कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम एक्चुअल में इसकी क्लियरिटी को चेक कर सकें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को हमने इसी कैमरे से रिकॉर्ड किया है। वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी कुछ खास ज्यादा बेहतरीन नहीं है। मतलब आपको इस कैमरे में सिर्फ इतनी वीडियो क्वालिटी मिल जाती है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा कौन है, या फिर आप एरिया को समझ सकते हैं। बट अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं एरिया को, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्वालिटी नहीं मिलती है। जो एक्चुअल में ट्रूथ है उसे ही मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर हम इमेजेस की बात करें तो यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं। मतलब ओके प्रोडक्ट है, आपको 600 रुपए से भी कम प्राइस में आपको बटन कैमरा मिल जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, या फिर आप वहाँ पर कैमरा नहीं ले जा सकते और आप ले जाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पर आप इस कैमरे को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसकी बेस्ट बाइंग लिंक दी हुई है, जहां से आप डायरेक्टली इसे चेक कर सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप और स्पाई गैजेट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।